सहरसा में कोशी नदी का जलस्तर बढ़ने से तटबंध के निचले हिस्से के कई स्कूल परिसरों में पानी घुस गया है, जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जी हां, आप देखिए किस तरीके से पानी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। यहां तक के स्कूल के कार्यालय के अंदर भी पानी घुसा हुआ है। इससे शिक्षकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल परिसर में पानी लगे रहने से बच्चों को काफ़ी परेशानी तो होती है, लेकिन वो मौज मस्ती भी कर रहे हैं। आखिर वो बच्चे हैं, बच्चे स्कूल परिसर में लगे पानी में स्नान करते दिख रहे हैं या हादसों को दावत देता नजर आ रहा है। मामला महिषी प्रखंड के उर्दू मध्य विद्यालय भिलाही का है। ग्रामीण मुश्ताक की माने तो पानी स्कूल में घुस गया है। शिक्षक सब खड़े हैं, बच्चे सब स्कूल परिसर में लगे बाढ़ के पानी में स्नान कर रहे हैं। दूसरे ग्रामीण नजीर अहमद की माने तो जल जमाव को लेकर खतरा बढ़ रहा है। पानी बढ़ेगा तो और ज़्यादा खतरा पैदा हो सकता है। प्रधानाचार्य मोहम्मद असकर अली ने कहा है कि बच्चे सब स्कूल भी आए थे, लेकिन पानी की वजह से छुट्टी दे दी गई है, नहीं तो बच्चे सब डूब भी सकते थे। विभाग को भी सूचित कर दिया गया है, मेरे कार्यालय में पानी घुसा हुआ है, जिसके कारण हम शिक्षण का कार्य नहीं कर सकेंगे। पानी घटने के बाद फिर शिक्षण का कार्य किया जाएगा। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से महिषी और नौहट्टा प्रखंड के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। दोनों प्रखंडों के 12 गांवों के मुख्य सड़क पर पानी भर जाने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं कहीं 4 से 5 फीट तक पानी तेज धार के साथ सड़क पर बह रहा है। इस वजह से पैदल चलना लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है। जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय से लोगों का संपर्क पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। महिषी प्रखंड के कुंदा पंचायत के कोर गांव होते हुए जाने वाली सड़क पर भी पानी भर गया है। लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे पानी में स्नान कर रहे हैं। ये एक तौर से आपको बता दे चलें, बच्चों को कितनी भी परेशानी हो सकती है, एक प्रकार से आफत को दावत दे रहा है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।